हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे कुछ और नई शॉर्ट ट्रिक्स। तो मैं आपको बताऊंगी आज आप किसी भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन बाय 11 ये हमारा आज का टॉपिक है। आप देखिए, आप कोई भी नंबर है, सपोज अगर आप ये है 34 है, अगर आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं तो आप कैसे करेंगे, 34 × 11 ऐसे करेंगे ना, फिर यहाँ 34 × 34 तो ये आपका 374 आ गया। लेकिन आपको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए कैसे, जैसे 63 × 11 आपको ये सॉल्व करना है, तो आप पीछे से स्टार्ट कीजिए। ये जो नंबर है आप इसको 3 को ऐसे लिख दीजिए, उसके बाद इन दोनों नंबर्स का सम कर दीजिए, 6 + 3 क्या हो जाएगा आपका 9, और फिर उसके बाद ये वाला 6 लिख दीजिए। तो बस ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर देखा, आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ना ही आपको कुछ भी रफ वर्क में ऐसा पूरा लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ आप यहाँ पर देखिए, नंबर्स को देखिए, सबसे पहले आप लास्ट नंबर लिखिए, देन इन नंबर्स का सम करके लिखिए, देन ये वाला नंबर लास्ट में लिख दीजिए। अब हम किसी और नंबर को लेते हैं, जैसे कि अगर हम 74 लेंगे, उसको हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 तो ऐसे ही आ जाएगा, पीछे से लिखना शुरू करेंगे हम। अब 7 + 4 क्या होता है, 11 होता है, लेकिन हम इसमें हमेशा एक डिजिट ही लेंगे, तो 11 का हम जो लास्ट डिजिट है 1 वो ले लेंगे, और जो 1 है वो कैरी चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 आना चाहिए, लेकिन 1 हमारा कैरी भी था, तो यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा। तो जो 8 बचता है, मतलब कुछ भी कैरी बचता है, तो हम उससे नेक्स्ट डिजिट में उसको ऐड कर देते हैं। चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, 84 × 11। इसमें क्या करेंगे, आप 4 लिखा, 8 + 4 होता है आपका 12, लेकिन यहाँ पर आप एक सिंगल डिजिट ही लिखेंगे, तो आप यहाँ 2 लिख देंगे, 8 आपका कैरी चला गया। अब यहाँ पर 8 आना चाहिए, पर 1 हमारा कैरी में भी था, तो 8 + 1 9 हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम कुछ और डिजिट से देखते हैं, तो हम करेंगे 256। अब यहाँ पर हम 3 डिजिट नंबर ले रहे हैं, ये हमने 2 डिजिट देखा था, अब ये 3 डिजिट नंबर को हम 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें भी सेम मेथड है आपका। आप पीछे से शुरू करेंगे, पहले यहाँ पर 6 लिख देंगे, देन दो नंबर लेंगे, 6 + 5 11 हो गया, 11 का 1 लिखेंगे, 1 1 को कैरी चला जाएगा, देन आप इन दो नंबर्स का सम करेंगे, 5 + 2 7 7 और 1 ये कैरी था, तो ये 8 और लास्ट का नंबर 2, तो 2816 आपका आंसर आ गया। आपने देखा कितना ईजी आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल, ये हमने 3 डिजिट किया था, अब हम एक 4 डिजिट नंबर को भी सॉल्व करके देखते हैं सेम इसी मेथड से। तो हमारा 4 डिजिट नंबर है 12 56 × 11 इक्वल 2। तो आप देखेंगे पीछे से ही शुरू करेंगे, 6 लिख दिया यहाँ पर, 6 + 5 क्या होता है आपका 11, तो 11 का सिर्फ आप 1 लिखेंगे और 1 आपका कैरी चला जाएगा, देन 5 + 2 को ऐड करेंगे, 5 + 2 7 + 1 8, देन 2 + 1 को ऐड करेंगे। जब तक हम एकदम एंड तक नहीं पहुँचाते, तब तक हम दो दो नंबर्स का पेयर बना के इनको ऐड करते रहेंगे, 2 + 1 3 और ये जो लास्ट है 1, ये तो ऐसे आने का। तो आप इसी तरीके से कितने भी डिजिट का नंबर गिवन हो, आप उसकी 11 से बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को देखें, समझिए और प्रैक्टिस करें, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ ऐसी ही ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।